और ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक फेयरनेस क्रीम का टर्नओवर 5,000 करोड़ के ऊपर का है, पर इसके बावजूद भी आज दूर दूर तक कोई ऐसी क्रीम मुझे दिखाई नहीं देती जो सचमुच आपको फ्लॉलेस और ग्लास स्किन दे दे। मेरे भारत के लोगों की एक बुरी बात ये भी है कि ये बेचारे जरूरत से ज्यादा भोले होते हैं, इसलिए इन्हें कोई भी ठग लेता है। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मात्र 7 दिन, यार ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 7 दिन मेरा कहा मानकर कैसे आप एक ग्लास स्किन या ये समझ लो फ्लॉलेस स्किन को पा सकते हो। दूसरी बात, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई भूख नहीं है। दोस्तों मैं अपने पूरे दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो वीडियो को एंड तक देखकर सिर्फ 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते मेरे बताए तरीके से चेहरे की देखभाल करना और आपके चेहरे के ग्लो की तारीफ लोगों को मुंह से आप खुद सुनना और रिजल्ट मिलने के बाद यहाँ आकर कमेंट कर देना ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। बाकी मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। बढ़ते हैं वीडियो के और। दोस्तों पहली और सबसे आसान बात ये जान लो कि पानी का और हमारे स्किन का गहरा संबंध होता है। पानी आपके स्किन को और पूरे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनकी स्किन रिफ्रेश्ड और ग्लोइंग होने लगती है। अधिकतर लोग पानी पीना भूल जाते हैं और कम पानी पीना उनकी जीवन शैली बन जाती है, लेकिन अधिक पानी पीने से आपके स्किन को नेचुरली मिलने वाले 7 बेनिफिट आपको चौंका देंगे। बेनिफिट नंबर 1, आपकी स्किन नेचुरली टाइट और ग्लोइंग होने लगती है। बेनिफिट नंबर 2, आपके स्किन का पीएच मेंटेन रहता है, यानी आपके एक्ने पिंपल्स की समस्या आपको यहीं पर खत्म होती नजर आएगी। बेनिफिट नंबर 3, ज्यादा पानी पीने से आपके स्किन में के टॉक्सिक टॉक्सिन यानी जहरीले टॉक्सिन मर जाते हैं, जिसके कारण आपके स्किन का ओवरऑल ग्रोथ हेल्दी वे में होने लगता है। बेनिफिट नंबर 4, जिनको व्रिंकल्स की समस्या है उनके व्रिंकल्स सही मात्रा में पानी पीने से खत्म हो जाते हैं। बेनिफिट नंबर 5, पिंपल्स और एक्ने निकलना बंद हो जाते हैं। बेनिफिट नंबर 6, स्किन नेचुरली मॉइस्चराइज रहने लगती है। और बेनिफिट नंबर 7, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, जिसके कारण स्किन डार्कनेस जैसी समस्या खत्म हो जाती है। तो कल से इस 7 डे चैलेंज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ये करना है कि ज्यादा पानी पीना है, जिसके कारण आपकी स्किन अंदर से तरोताजा होने लगेगी। ठीक है ना? ठीक ही होगा। अब हम बात करेंगे फेस पैक की। पानी पीकर आप अपने स्किन को अंदर से हील तो कर ही रहे हो, पर साथ ही फेस पैक लगाकर आप उसे बाहर से भी चमकदार बनाने का काम कर सकते हो। पहले तो ये जान लो कि ये फेस पैक कोई भी एज ग्रुप और किसी भी स्किन टाइप का पर्सन लगा सकता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको 1 चम्मच हल्दी लेनी है, 1 चम्मच बेसन लेना है और 1 चम्मच शहद लेकर इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है और लास्ट में इसमें 1 छोटी कटोरी दूध को मिला लेना है। याद रखना है, अगर आप कच्चा दूध मिलाते हो तो आपको रिजल्ट्स और बेनिफिट तेज मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। और बस ये फ्लॉलेस स्किन का पेस्ट एकदम से बन कर तैयार है। इस पेस्ट को कैसे बनाना है ये मैंने फिर से स्क्रीन पर लिख दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। याद रखना है, इसी पेस्ट को आपको सुबह उठते ही फेस वॉश करने से पहले लगाना है। इस पेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। 3-4 दिन से अगर आप इसे लगाते हो तो 3-4 दिन में ही आपके स्किन के टेक्सचर में आपको बदलाव साफ तौर पे दिखने लगेगा। पर याद रखना है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है इसलिए इस पेस्ट को 2-3 बार बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 बार, वो भी दिन की शुरुआत में। तो अब तक हमने 2 चीजें देखी, पहला कि आपको ज्यादा पानी पीना है और दूसरा ये फ्लॉलेस स्किन केयर पेस्ट रोज सुबह आपको लगाना है। अब बात करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन के सबसे सिंपल स्टेप की, जिसकी मदद से आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाएगी और शीशे की तरह चमकने लगेगी। अब रात को सोने से पहले आपको अपने चेहरे को सिर्फ और सिर्फ पानी से अच्छे से धोना है। याद रखना है कि आपको फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको चेहरा सिर्फ पानी से धोकर चेहरे को गीला ही रहने देना है और एक कॉटन के रुमाल में बर्फ बांधकर चेहरे पर एलोवेरा लगाकर उस चेहरे पर एलोवेरा जेल के ऊपर ही आपको बर्फ घुमाना है। बर्फ आपको 10 से 15 मिनट अच्छे से घुमाना है और इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस कॉटन के रुमाल में आपने बर्फ को डाला है वो कॉटन का रुमाल धोया हुआ है, गंदा नहीं है, क्लीन है। चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर
उसके ऊपर से बर्फ घुमाने से स्किन का ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने लगेगा, जिसके कारण स्किन में इलास्टिसिटी आने लगती है, स्किन का एक्ने तेजी से कम होने लगता है, स्किन की रेडनेस खत्म हो जाती है, स्किन बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म होने लगती है, बदलने लगती है। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, चेहरे को आराम से सूखने देना है और सो जाना है, और चेहरे पर कोई क्रीम कोई कॉस्मेटिक सुबह तक नहीं लगाना है। सुबह होने के बाद में आपको फिर से ज्यादा पानी पीना है, फ्लॉलेस स्किन का पेस्ट लगाना है, और रात को सोने से पहले कॉटन के रुमाल में आइस लेकर चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर मसाज करनी है। ये आपका जो स्किन केयर रूटीन है ये बन चुका है, और यकीन जानो स्किन बदल जाएगी और लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आज लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, और आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यार 7 दिन का ये चैलेंज लेकर, इस 7 दिन के चैलेंज को पूरा करके रिजल्ट क्या मिले ये कमेंट में आके जरूर जरूर लिखना। कोई एक इंसान भी ये कर देता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो बस यार दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आप